हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ 3-in-1 रेसिपीज, जो कि मैं दही से बनाकर तैयार करूँगी। और गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है, इसमें हम यदि दही की रेसिपी तैयार करें तो वो खाने में हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी लगती है। तो आइए बनाते हैं दही से 3 रेसिपीज। तो सबसे पहले हम दूध से दही बनाकर तैयार करेंगे, और दही को परफेक्ट तरीके से कैसे जमाते हैं, बनाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो हम आधा लीटर दूध लेंगे और उसको गरम कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से हमें दूध को बिल्कुल अच्छे से गरम करना है, और उसके बाद गैस को बंद कर देना है, और दूध को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो ये हमारा दूध ठंडा हो चुका है, इसकी मलाई को मैंने साइड में कर दिया है। अब हम इसमें जामुन डालेंगे, थोड़ा सा दही डालेंगे या छाछ भी ले सकते हो आप, और इसको ओवरनाइट रख देंगे जमने के लिए। आप 8 से 10 घंटे भी रख सकते हो, पर यदि हम रात में जमाते हैं तो बहुत अच्छा दही जमकर तैयार होता है। तो देखिए, 8 से 10 घंटे के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा दही कितना गाढ़ा जमकर तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने जमा कर तैयार किया है। तो आप यदि ये टिप्स फॉलो करोगे तो आपका दही भी बिल्कुल ऐसा ही जमकर तैयार होगा। अब हम इस दही से 2 रेसिपीज और बनाकर तैयार करेंगे। तो ये मैंने इन्ग्रीडियंट्स ले लिए हैं। सबसे पहले हम दही तड़का बनाकर तैयार करेंगे, और ये मैंने दही लिया है, तो आइए बनाते हैं। तो ये मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, ये मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और गैस का फ्लेम हमें कम रखना है। ये अदरक 1 इंच टुकड़ा, इसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। ये 10 से 12 लहसुन की कलियां, इनको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है दरदरा सा, आप कट करके भी डाल सकते हो। ये 8 से 10 करी पत्ते, आपके पास इनमें से कोई सामान नहीं हो तो आप उनको स्किप कर सकते हो, उनके बिना भी बहुत अच्छा दही बनकर, दही तड़का बनकर तैयार होगा। अब हम डालेंगे इसमें साबुत लाल मिर्च 3, फिर डालेंगे हम इसमें 1 प्याज मीडियम साइज का, इस तरीके से रफली चॉप किया हुआ, और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हींग चुटकी भर। अब हम इन सभी को हल्का सा पका लेंगे, हमें गुलाबी होने तक प्याज को पकाना है, इसी तरीके से लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए। गुलाबी होने के बाद हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने होंगे। तो देखिए ये हमारे प्याज पक चुके हैं, सेम ऐसे ही हमें इनको पकाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये हमारे प्याज गुलाबी हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें काजू। काजू को मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया था, आप इसमें और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, और बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये दही तड़का बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा, टेस्टी एकदम। तो इनको भी हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर काजू को भी। ये हमारे जो दही तड़का बना रहे इसमें एक्स्ट्रा टेस्ट देंगे। तो देखिए ये भी मैंने रोस्ट कर लिए हैं। अब हम मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 3/4 छोटी चम्मच या टेस्ट के अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस का फ्लेम हमें इस टाइम कम रखना होता है, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। हल्का सा भून लेंगे, उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, जिससे हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से पक जाएं। तो देखिए ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हम अच्छे से मिक्स करके इनको ढककर पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे वीडियो में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो देखिए 2 मिनट हमें इसको पकाना है मसाले को। तो ये हमारा मसाला पक चुका है, सेम ऐसे ही हमें इसे पकाकर तैयार करना है। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाली है इसमें, यदि हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हो। और इसको मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो ये मैंने 500 ग्राम दही लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया था।
इसको डाल देंगे हम दही को, फेंट कर ही हमें डालना है। हमें दही को डालते वक्त या तो गैस को, गैस का फ्लेम कम कर देना है या हमें गैस को बंद ही कर देना है, जिससे हमारा दही फटे नहीं। और डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाना होगा, नहीं तो हमारा दही फट जाएगा और हमारा तड़का का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू चलाते हैं, इसको उबाल आने तक कंटिन्यू चलाएंगे। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है दही तड़का। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो देखिए, ये हमारा दही तड़के में अच्छे से उबाल आ चुका है। सेम ऐसे ही हमें दही तड़का बनाकर तैयार करना है और हमें इसे थोड़ी देर के लिए और उबाल लेना है। उसके बाद गैस को बंद कर देना, गैस के फ्लेम को, फिर इसे गर्म गर्म सर्व कर देंगे। तो आप इसे, जब आपके घर में सब्जी नहीं हो तो उसको इसे बनाकर खा सकते हो। अब हम बनाएंगे इसी दही तड़के से सोयाबीन बड़ी। तो ये मैंने सोयाबीन लिए आधा कप, इसमें हम पानी डाल देंगे इनको डुबोने तक, इतना हमें इसमें पानी डालना है। और इनको आधा घंटे के लिए साइड में रख देंगे, जिससे ये अच्छे से फूल कर डबल हो जाए, तो इसलिए हमें इनको गलाना होता है। तो देखिए, ये अच्छे से फूल चुकी हैं। सेम ऐसे ही हमें चेक भी कर लेते हैं, तो ये अच्छे से फूल चुकी है, एकदम डबल हो गई है। कितनी छोटी छोटी थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, इस तरीके से सॉफ्ट हो जाती हैं। अब हम इनको निचोड़ लेंगे और इस दही तड़के में ही इनको डाल देंगे। सोयाबीन तो हमारे पास रहती है, ये हेल्दी भी होती है, तो इससे ये सोयाबीन बड़ी की सब्जी बनाकर आप तैयार कर सकते हो। तो इन्हें हमें निचोड़ कर इसमें डाल देना है, जिससे इनमें अंदर तक जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया है वो चला जाए, इसलिए हमें इनको निचोड़ कर डालना है। तो देखिए, ये मैंने डाल दिए। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें इसको पकाना नहीं होता है। और ये मैंने थोड़ी सी ग्रेवी दही तड़के के निकाल लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को सोयाबीन की सब्जी कम ही अच्छी लगती है, तो वो इस तरीके से दही तड़के को खा लेंगे। तो ये मैंने साइड में कर दिए। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ढककर। तो ये हमारी सोयाबीन बड़ी की सब्जी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं आपको नए नए वीडियोज डालती रहूँ। तो देखिए, हरे धनिया से इसको गार्निश कर देंगे, गर्म गर्म सर्व करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।